वेलकम बैक। आज एक मोनिटाइजेशन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत से क्रिएटर्स परेशान हैं और ये सोचने पर मजबूर हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या है, कैसे है, इस सब के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे आप एक थंबनेल में देखा होगा, मैं अभी आपको साइट पर भी दिखा रहा हूँ कि ये जो लिख कर आता है आपकी मोनिटाइजेशन इनेबल होने के बाद, जब आप अपनी वीडियो के ऊपर मोनिटाइजेशन को इनेबल कर देते हैं और एड्स चल रहे होते हैं, लेकिन जब भी आपके पास ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ जो आपके पास नज़र आता है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? इसका रीजन सिर्फ इतना है कि आपकी YouTube वीडियो के ऊपर जो आपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई किया है, तो उससे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या आपका कंटेंट जो है वो कहीं बच्चों से रिलेटेड या किड से रिलेटेड तो नहीं, कहीं आपकी वीडियो के अंदर कोई बच्चा तो नहीं है जो वीडियो बना रहा है। कहीं ऐसे बहुत से चैनल होते हैं जो बच्चा सामने बैठा होता है, उसकी वीडियो चल रही होती है और उसके अंदर वो एक्टिविटीज कर रहा होता है, गेम खेल रहा होता है या कुछ भी काम कर रहा होता है। तो अगर ऐसी कोई वीडियो में कोई आपका बच्चा है, कोई चाइल्ड है, कोई किड है जो काम कर रहा है वीडियो के अंदर, कोई एक्टिविटी कर रहा है और आप उसकी वीडियो बनाकर उसको अपलोड करते, अब वो शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, कोई सी वीडियो अगर वो आप अपने चैनल पर अपलोड करते, तो उसके बाद नीचे आपको YouTube एक ऑप्शन देता है अपलोड करने से पहले, यस और नो। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक नहीं करते तो ये जो आपका काम है वो ख़राब करता है और आपकी मोनेटाइजेशन टैब पर YouTube खुद देखकर आपकी वीडियोस के ऊपर ये ऑप्शन लगाता है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है, जिसके बाद आपकी वीडियो के ऊपर जो एड्स आते हैं वो किड्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे बिस्किट्स के ऐड होते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों के ज़्यादा यूज़ में होती है, वो ज़्यादा एड्स लगाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो आपकी वीडियो है उस वीडियो को देखने वाले जो ऑडियंस है वो भी बच्चे होते हैं, तो बच्चे होते हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई टॉयज का ऐड हो, कोई चीज का ऐड हो, कोई चॉकलेट का ऐड हो, तो इस तरीके के ऐड लगाना चाहता है वहां पर YouTube, ताकि बच्चे वो देखें और उसके बाद उसको जिद करें और वहां से YouTube जो है वो उस प्रोडक्ट को ज्यादा रीच दे पाए या उस प्रोडक्ट को ज्यादा दिखा पाए। तो ये रीज़न होता है, ये वजह होती है कि आपके पास ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपका कंटेंट बच्चों से रिलेटेड है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अगर यस पर क्लिक करके अगर आप यहाँ पर YouTube को पहले से बता देते कि आपकी जो वीडियो है वो किड्स के लिए, तो YouTube आपकी वीडियो को किड्स के पास ही भेजेगा और ज़्यादा किड्स के पास भेजेगा। इससे क्या होगा कि आपके पास व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे, इससे क्या होगा कि आपकी जो चैनल है वो ज़्यादा लोगों तक जाएगा। जब आप वीडियो बनाए ही बच्चों से रिलेटेड रहे तो अब बड़े बड़े लोग जो है, जो 18 प्लस हैं या जो उससे बड़े हैं, वो तो आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे, बच्चे ही देखेंगे। तो बच्चों की ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा बड़ी है और बच्चों की ऑडियंस को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर। तो यहाँ पर आपको इसको सिंपली क्लिक कर लेना चाहिए, यहाँ पर इसको बता देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप वीडियो अपनी खुद की बनाते हैं, अगर आपकी वीडियो के अंदर आपका कॉन्टेंट खुद का है, म्यूज़िक आपका नॉन कॉपीराइट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मोनेटाइजेशन आपकी रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसे कोई काम करते हैं जिस काम से YouTube आपको मना करता है, पॉलिसीज़ को अगर आप वायलेट करते हैं, तो फिर YouTube की मोनेटाइजेशन जो है वो बंद हो सकती है, डिसेबल हो सकती है, या एडसेंस अकाउंट भी आपका डिसेबल हो सकता है। इस तरीके की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियोज़ को देखें। आपसे रिलेटेड, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, टिप्स हो, ट्रिक्स हो, आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम आईडी पर आए, DM करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, और अगर वीडियो की जरूरत होगी तो वीडियो बना के भी आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।